गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सीक्वेंस और सीरीज का क्लास 11th के लिए। और इससे पीछे जो वीडियो लेक्चर किया था हमने, लेक्चर नंबर थर्ड, उसे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। लाइक एज अगर हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। अगर उन्होंने किसी जनरल टर्म को भी डिनोट कर रखा है, जैसे कि वो पूछ सकता है कि आपने सेवन्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, आपने एट्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, या फिर वो जनरल टर्म भी पूछ सकता था। और उस केस के अंदर वो आपसे कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है। वो हमसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर हम कोई भी टर्म दें और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी टर्म दें, हम जनरली कोई टर्म ये पूछे कि -151 जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म होगी या नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम किन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस टाइप से किन्हीं भी दो टर्म के बीच का जो मीन वो है हम फाइंड आउट करेंगे। किन्हीं भी दो टर्म के बीच में एक मीन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एन मीन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फाइनाइट मीन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक मीन की। जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, वो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास दे रखा है अर्थमेटिक मीन का। फर्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास है। फर्स्ट दे दिया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है, हम कोई भी दो टर्म लेते हैं। सबसे पहले हमने दो टर्म ली। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर देता हूँ। जस्ट ए मिनट, अब कंफर्टेबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिया। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मेरे पास, इफ ए कॉमा कैपिटल ए एंड बी आर द थ्री टर्म्स इन एपी। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सबसे पहले हमने ये तीन टर्म ली। तो जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों टर्म के बीच का, एट हमारे पास एक तो टर्म ए है और एक टर्म हमारे पास क्या है, बी है। अगर इन दोनों टर्म का अगर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होता है, द मिडल वन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, मिडल वन इज डिफाइंड एज अर्थमेटिक मीन बिटवीन द अदर टू, बिटवीन दी अदर टू। तो जो उन दोनों के अलावा जो टर्म है हमारे पास है, वो क्या होगी, अर्थमेटिक मीन होगी। यानी कि मिडल जो टर्म है, मिडल टर्म है हमारे पास ए, और ये ए हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। लेकिन इन जनरली जो ए और बी, ये दो जो टर्म है, हमने सबसे पहले ये दो टर्म लिखी, एक टर्म मैंने ए ली और एक टर्म मैंने ली बी। इन दोनों टर्म के बीच में मैंने कुछ टर्म्स लिखी, से मैंने कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, डॉट 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 और कैपिटल ए एन और कॉमा बी। तो जो ए वन, ए टू, ए थ्री और अप टू ए एन तक ये जितनी भी टर्म है, ये टर्म हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक मीन होती है इन दोनों टर्म्स के बीच का। अब इन्होंने जनरली एक रिजल्ट पूछा है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या आया, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मैंने रिजल्ट लिखा यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ए और बी ये दो जो टर्म हैं,
इन दोनों टर्म के बीच का हमने अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, लेट ए बी द अर्थमेटिक मीन, लेट ए बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमने कैपिटल ए क्या लिया, अर्थमेटिक मीन लिया। तो हम इसको इस टाइप से राइट करेंगे, ए कोमा कैपिटल ए और कोमा बी आर इन ए पी, आर इन ए पी। और ये जो टर्म है, ये टर्म मैंने ए पी की टर्म्स ली। अगर ये तीनों टर्म मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स लेता हूँ, तो देन द डिफरेंस बिटवीन द टू एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। तब किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। अब कैपिटल ए को मैं जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये ए के साथ, कैपिटल ए के साथ ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा इम्प्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला आता है। अगर वो ये कहे कि हमारे पास कोई भी दो टर्म है, जैसे एक टर्म मैंने वन ली और एक टर्म मैंने ली टू, अगर इन दोनों टर्म्स के बीच का अर्थमेटिक मीन पूछता है, तो हम क्या करेंगे, वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आएगा, थ्री डिवाइडेड बाई टू। इन दोनों टर्म्स के बीच का क्या हो गया, मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। तो हमने इस टाइप से जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके बाद मैंने अभी अभी आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया था। वो जनरल कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने ये कहा था टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन, मैंने लिखा टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ए एंड बी। मैंने कहा कि हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म मैंने ली ए और एक टर्म मैंने क्या ली, बी ली। मैंने कहा कि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो है वो हमारे पास एन अर्थमेटिक मीन इसमें इंसर्ट किए, यानी कि मैंने कहा इन दोनों टर्म्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है। तो अगर इन दोनों टर्म्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है, तो सबसे पहले मैंने वो अर्थमेटिक मीन जनरली सपोज करके राइट की। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लेट कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू कैपिटल ए थ्री डॉट 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 अप टू कैपिटल ए एन बी दी एन अर्थमेटिक मीन, बी द एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के बीच में हमारे पास क्या है, एन अर्थमेटिक मीन है। तो मैंने इसको राइट किया शो, इसलिए स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू कैपिटल ए थ्री डॉट 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 अप टू कितना आया, कैपिटल ए एन आया और कोमा बी। अब मैंने कहा इन दोनों टर्म्स के बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन लिए और मैंने कहा आर इन ए पी, और ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है, टर्म्स हैं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, तो किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो ए से लेके बी तक हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ए टर्म्स बनेंगी, वो टोटल नंबर ऑफ ए टर्म्स कितनी बनेंगी, एन प्लस टू। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ए टर्म्स होंगे इसके अंदर। एन प्लस टू कहाँ से, क्योंकि एन टर्म तो ए वन से लेके ए एन तक है, प्लस बी टर्म और प्लस ए टर्म, दो टर्म हमारे पास और कौन है, एक ए है और एक बी है। तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी हो जाएंगी, एन प्लस टू टर्म। तो मैंने कहा कि एन प्लस टूएथ जो टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, वो टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, बी दे रखी है। तो इसको मैंने राइट किया ए एन प्लस टूएथ टर्म इज इक्वल टू बी, और ए एन प्लस टूएथ टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। अब ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी,
अबे यहाँ से मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। अबे जो स्मॉल ए है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये मैंने एज इट इज यहाँ पर इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। ये मेरे पास बचता है डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो जो पहली जो टर्म है ए, इसको मैं ए वन से डिनोट करूँगा, और कैपिटल ए वन है इसको मैं ए प्लस डी से डिनोट करूँगा, और कैपिटल ए टू जो है इसको मैं ए प्लस टू डी से डिनोट करूँगा। उसी टाइप से ए एनथ जो कैपिटल ए एन जो टर्म आएगी उसको मैं ए प्लस एन डी से क्या करूँगा, डिनोट करूँगा। तो ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल ए वन की वैल्यू ए की जगह ए ही है और डी की जगह क्या है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इस टर्म का रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये हमारे पास इन टर्म्स के क्या है, रिजल्ट आएंगे। तो जो हमने एन अर्थमेटिक मीन जो फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चनों के अंदर, उन सभी के अंदर हम ये जो मेथड है ये मेथड हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद एक जनरल फॉर्मूला बनता है, वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला हमारे पास बनता है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो एन अर्थमेटिक मीन है उनका सम क्या होगा। देखो अगर हमारे पास तीन टर्म है, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, अगर इस कैपिटल ए की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो मैंने क्या फाइंड आउट की थी, वो आई थी मेरे मेरे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। अगर एन अर्थमेटिक मीन का हमने सम फाइंड आउट करना है तो वो सम उसी के बराबर होगा जो अर्थमेटिक मीन किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का है, और इन टू नंबर ऑफ ए अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितने हैं। तो मैंने ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और अप टू प्लस ए एन तक ये मेरे पास एन अर्थमेटिक मीन थे। अगर इन एन अर्थमेटिक मीन का मैं सम फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू एन। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ दी एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू टर्म्स, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है तो उनका सम हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, वो फॉर्मूला हमारे पास है, ये बनेगा एन इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, यानी कि नंबर ऑफ ए टर्म्स इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू टर्म्स। ये हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला बनता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास इतने ही हैं। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, ये देखें इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन लिखा मैंने इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन, थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन माइनस 18 एंड 4, माइनस 18 और 4, इन दोनों टर्म्स के बीच में हमने तीन अर्थमेटिक मीन जो हैं वो फाइंड आउट करने। तो मैंने तीन अर्थमेटिक मीन सपोज किए, माइनस 18 हमारे पास गिवन है, मैंने सपोज किया ए वन और ए टू और ए थ्री और कॉमा 4, मैंने ये तीन अर्थमेटिक मीन जो है ये मैंने यहाँ पर सपोज किए। अब टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म है यहाँ पर 5, क्योंकि तीन टर्म तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन की है, प्लस एक टर्म 4 है और एक टर्म कितना है, माइनस 18 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है माइनस का 18 और ए 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। अब ए 5 हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस 4d इज इक्वल टू 4 है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18, देन माइनस 18 प्लस 4d इज इक्वल टू 4, देन 4d इज इक्वल टू
प्लस का कितना आ जाएगा 22, देन द वैल्यू ऑफ द डी इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या आई, डी की वैल्यू आई। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये तो है हमारे पास फर्स्ट टर्म ए वन की वैल्यू, कैपिटल ए वन जो है ये सेकेंड टर्म है, इसको हम ए प्लस डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए टू थर्ड टर्म है, इसको हम ए प्लस टू डी से डिनोट करेंगे। और फोर्थ टर्म हमारे पास ए थ्री है, इसको हम फोर्थ टर्म है ए थ्री, इसको हम ए प्लस थ्री डी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो कैपिटल ए वन जो है वो ए प्लस डी के इक्वल है, ए की वैल्यू है माइनस का 18 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 11/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा माइनस का 25/2। कैपिटल ए टू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू है माइनस का 18 और प्लस 11/2 = 22, 22/2 कैंसिल आउट करेंगे तो 11 ही आएगा, तो इसका रिजल्ट बच जाएगा माइनस का 7। और कैपिटल ए थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए प्लस थ्री डी, ए की वैल्यू पुट करनी है माइनस का 18 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 11/2। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 3/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, ये सेकंड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, और ये है हमारे पास थर्ड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें हमने इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने इसमें 6 अर्थमेटिक मीन लेके चल रहे हैं, तो उनको उसी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे दिया देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 85 such that n minus 3th mean ratio nth mean is as 11:24 find n। तो हमने n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इन्होंने कहा है कि 7 और 85 दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है। तो मैंने एन अर्थमेटिक मीन लिए, पहला लिया मैंने कैपिटल ए वन, सेकेंड लिया मैंने कैपिटल ए टू, थर्ड लिया मैंने कैपिटल ए थ्री और अप टू ए एन और लास्ट में क्या है 85। तो टोटल नंबर ऑफ ए टर्म्स कितनी है इसके अंदर, एन प्लस टू। तो ए एन प्लस टू हमारे पास किसके इक्वल है, 85 के इक्वल। ए एन प्लस टू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 85। ए की वैल्यू 7 है प्लस एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 85 है, देन द वैल्यू ऑफ द डी इज इक्वल टू 85 - 7/(n+1)। तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू आएगी वो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 78/(n+1)। ये हमारे पास क्या होगी, डी की वैल्यू होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 7 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 78/(n+1)। तो एक तो एन माइनस थ्री एथ मीन फाइंड आउट करना है, ए एन माइनस थ्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। और ए एन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस एन डी। तो ए एन माइनस थ्री इंटू डी इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा, ये आया 7 + (n-3)d और ये रिजल्ट बचेगा 7 + (nd)। तो इनका रेशियो जो है 7 + (n-3)d / 7 + (nd)
एज इक्वल टू दे रखा है 11 डिवाइडेड बाई 24। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड हमने अप्लाई करना है, तो 24 की 7 के साथ 24 इंटू 7 प्लस एन माइनस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 11 इंटू 7 प्लस एन डी। तो यहाँ से जब इन रिजल्ट्स को सोल्व करेंगे, द वैल्यू ऑफ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ इट डी, डी की वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एन इज इक्वल टू 5525 डिवाइडेड बाई 1105। कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। देन द वैल्यू ऑफ द एन इज इक्वल टू 5, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज है, इसके अंदर एन अर्थमेटिक मीन है और रेशियो जो दे रखा था वो रेशियो हमारे पास दे रखा है लास्ट और फर्स्ट, एक तो लास्ट मीन का और फर्स्ट मीन का रेशियो दे रखा है 3/1। इसमें भी हमने एन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव ये दे दिया, फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8 एंड हैंस शो दैट एंड हैंस शो दैट देयर सम इज 14 14 times the arithmetic mean between 5 and 8, 14 times the arithmetic mean between 5 and 8। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि 5 और 8 दो टर्म हैं, इन दोनों टर्म्स के बीच में 14 अर्थमेटिक मीन है। तो मैंने सपोज किए फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5, सेकंड टर्म मैंने ली a1, थर्ड टर्म a2 और फोर्थ टर्म है a3 अप टू शो ऑन, और ये मेरे पास कितने अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, 14, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 8 है। देन द टोटल नंबर ऑफ ए टर्म इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 14 + 2 इज इक्वल टू 16। देन द वैल्यू ऑफ a16 इज इक्वल टू a, अब a16 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, a+15d इज इक्वल टू 8, देन 15d इज इक्वल टू 8 - 5, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, d इज इक्वल टू 3/15, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, देन द वैल्यू ऑफ द d इज इक्वल टू 1/5। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है, डी इज इक्वल टू 1/5 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की है, 5 देर की है। तो a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू और a14 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब उसके बाद अगर 5 और 8 ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, तो 5, A, मैंने कैपिटल ए इन दोनों टर्म्स के बीच का अर्थमेटिक मीन सपोज किया और इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 और 8 को ऐड करके हम 2 से क्या करवा देंगे, डिवाइड, तो 8 + 5 = 13, 13/2। अब लास्ट जो स्टेटमेंट है, देन हैंड शो दैट देयर सम इज 14 टाइम्स, जो इनका सम है वो 14 टाइम्स है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8, कि हमारे पास जो 14 अर्थमेटिक मीन्स हैं, दैट इज a1 + a2 + a3 up to +a14, इन 14 अर्थमेटिक मीन का सम किसके को होगा, 14 इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8, और 5 और 8 का अर्थमेटिक मीन कितना है, 13/2। तो यहाँ तक इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है, a1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे a+d से, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a+2d से और a14 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a14d से। अब यहाँ पर हम s14 का फॉर्मूला लगा देंगे, 14/2 into 2a plus
13d, 14 माइनस 1 इंटू 13d, तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ है, 7 भी एज इट इज़ है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी, इफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है तो उस केस के अंदर हमारे पास एक रिजल्ट, दो रिजल्ट मिलते हैं। वैसे एक रिजल्ट हमारे पास क्या मिलता है कि सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और एक रिजल्ट हमारे पास ये मिलता है किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है आर बी इक्वल, देन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। अगर इन दोनों में से जिस भी रिजल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी रिजल्ट का हम जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके अंदर यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो शो क्या करना, हमने रिजल्ट शो करना है एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इंटू टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर एक्स माइनस जेड की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, टू वाई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मेरे पास टू वाई किसके इक्वल दे रखा है, एक्स प्लस जेड के इक्वल, तो मैं लिखा एक्स प्लस जेड माइनस जेड इंटू टू वाई की वैल्यू है एक्स प्लस जेड माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ पर एक्स प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दी मैंने, टू वाई, टू वाई माइनस वाई, तो जेड से जेड कैंसिल आउट, एक्स एक्स ऐड होगा तो टू एक्स इंटू एक्स से एक्स कैंसिल आउट टू जेड, और टू वाई में से वाई सबट्रैक्ट करेंगे तो वाई बचेगा, टू टू जब फोर और फोर एक्स वाई जेड, यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 और एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9 इसको आपने ट्राई करके देखना है।